So what's up guys, this is Atharv Sharma, welcome back to the video and I hope you guys are having a nice day so far. तो आज आपको लग रहा होगा कि ये एकदम iPhone जैसी क्वालिटी कहाँ से आ रही है. तो दरअसल भाई iPhone जैसी क्वालिटी नहीं आ रही, iPhone ही है मेरे पास और मैंने ये लिया है किस बंदे से लिया है जिनकी ये कंपनी है क्लॉज आर्म रेसलिंग. आप जानते होगे, नहीं जानते क्या बात कर रहे हो, अरे कौशिक शिव को नहीं जानते. तो उनको अपना फ़ोन बेचना था, दरअसल 128 GB वाला वेरियंट है ये iPhone 13 mini. तो मैंने सोचा यार इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, तो मैंने ये फ़ोन ले लिया है. हालांकि मुझे उनको अभी पेमेंट करनी है, वो मैं कर दूंगा आज में. और आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक क्लॉज आर्म रेसलिंग की टी शर्ट क्यों पहनी है. तो दरअसल आज है IEF का मैच, हमारा स्टेट लेवल चैम्पियनशिप. हम जा रहे हैं राजौरी गार्डन और मैं और शिष्य निकलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. और मैं कम्पीट करूँगा अंडर 80 लेफ्ट हैंड से. और वैसे तो काफ़ी फ्रेश और अच्छा फील हो रहा है मुझे लेफ्ट हैंड, मतलब सारे टेंडन्स अच्छे फील हो रहे हैं, फ्रेश, ऐसा कुछ फटीग नहीं है. तो देखते हैं आज क्या रहता है. वैसे तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं और होपफुली सब अच्छा जाए. तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि iPhone 13 mini है मेरे पास और लोअर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा अभी मुझे कौन सा पहनना है. और लोअर के अंदर से भी थाइस दिख रही हैं भाई. फोरआर्म कैसा लग रहा है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ. तगड़ा लग रहा है मुझे तो. और ये थोड़ी ओवरसाइज टी शर्ट ले रखी है मैंने क्योंकि मुझे यही वाली पसंद थी. फिलहाल बहुत हो गई बातें और यार मैं ना सोच रहा था थोड़ा मंदिर जाके बैठ जाऊं और भगवान से मांग लूं कुछ. होपफुली दिन अच्छा जाए और इतना अच्छा फ़ोन भी आज तो हमारे पास, तो होपफुली सब अच्छा अच्छा जाए, व्यूज़ भी ज़्यादा ज़्यादा आए. तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी पूजा, भगवान के सामने बैठ जाते हैं, मांग लेते हैं अपने मन में है जो भी विशेज. तो चलो चलते हैं. तो भाई निकल चुका हूँ अभी और रास्ते में हूँ. यहाँ पे है ग्रीन फील्ड स्कूल, दिख रहा होगा आपको गेट, मतलब थोड़ा सा अभी तो कैमरा इन्वर्टेड है तो पता नहीं चल रहा उतना. वो बाकी तुम्हारा भाई लग तो स्मार्ट रहा है थोड़ा शेप वेप करके. और बाकी शिशिर मुझे मिलेगा झिलमिल मेट्रो स्टेशन पे, तो रिक्शा जैसे ही मिलेगा आपको अपडेट करता हूँ. और भाई मैंने लोअर चेंज कर लिया है और नीचे पहन लिया मैंने वाइट कलर का लोअर और यहाँ पर तो क्लॉज की टी शर्ट आपने देख ही ली. बस तो कुछ ऐसा है हमारा आउटफिट. और यहाँ पे वॉच है स्टील की, स्टेनलेस स्टील वॉच है. तो भाई सड़क पे पत्ते ही पत्ते हो रहे हैं क्योंकि ऑटम चल रहा है अभी. ओ भाई फाइनली रिक्शा मिल चुका है इतने पहुँचने के बाद और अब पहुँचते सीधा चलने के. मोहित आ चुका है और शिशिर वहाँ पे बात कर रहा है किसी से. और सालों ने इतना लेट कर दिया ना भाई, ना की कसम अभी वो आ रहा है, अभी बोला आ रहा है भाई, उसने ऐसी तैसी मार दी हमारे उसकी. मैं भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, दिखा दो तुम्हें भाई. कभी लौंडो का वेट मत करो, कभी मत करो भाई, कभी मत करो लौंडो का वेट भाई. एक बार को लड़के को भाई वो जल्दी आ जाएगी. यहाँ से 5-6 मीटर निकल चुकी है, मैं ऐसी बैठा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं. माही उसका खड़ा हुआ था कि कब आएंगे भाई, मैं यहाँ पे फोन पकड़े खड़ा हुआ, मैंने कहा ब्लॉग बनाऊंगा ब्लॉग बनाऊंगा. भाई मत करो भाई, कभी किसी लौंडे का वेट मत करना. और भाई तब से लोग मुझे घूरे जा रहे हैं कि मेट्रो में भी नहीं बैठ रहा, खड़ा हुआ है तब से. हम लोग भाई वहाँ पे कॉल लेके गेट पे खड़े हुए हैं, लोग कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तैयार होके हाथ में पट्टियाँ बांध बांध के जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन नहीं भाई समझ नहीं पता रेसलिंग करने जा रहे हैं. अब हर किसी को थोड़ी बोलते घूमे भाई, पंजाब आने जा रहे हैं. वाली सीट पर बैठे हैं जहाँ पे बुढ़े हाथी उठा देते हैं, तो अब देखते हैं हमें कौन उठाएगा. इनके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ये भी गाड़ी देंगे, घंटे में स्टार्ट हो जाएगा ना.
ये देखो भैया गाली दे कैसे मेट्रो भीड़ भरी भीड़ में गाली। भाई ये हैं हमारे सारे आम रेस्टोरेंट, ठीक है, हमारा ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, ठीक है, और वहाँ पे ये सब जूनियर का स्टार्ट हो चुकी है कैटेगरी, थोड़ी सी बढ़ रही है लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी पहुँच जाएंगे तो ये यहीं से वार्म अप कर लें इसलिए। तो भाई सब अभी रजौरी गार्डन पहुँच चुके हैं और रेजिस्टेंस बैंड से सबने वार्म अप कर लिया, मैंने नहीं करा है क्योंकि मेरे को थोड़ा वियर्ड लग रहा था मेट्रो में ऐसा वार्म अप करना, मैं वहीं पे जाके करूँगा और वैसे भी मेरा हैवी वेट है तो थोड़ा सा लेट आएगा मेरा, मेरा पहला है इसका सबसे पहला है तो इसने ढंग से वार्म अप कर लिया, मेरा रहेगा भोला को वोट मारूंगा। सर टोकन डाल लाया भाई, आ चुके हैं सरस्वती बाल मंदिर और यहीं पे है वेन्यू हमारा, तो चलते हैं अंदर, बढ़िया रेडी फील तो कर रहा हूँ मैं बट अभी वार्म अप नहीं किया, अंदर जाके देखते हैं। चलो आओ भाई चलो भाई चलो भाई, आ गया आपका सरस्वती बाल मंदिर स्कूल, ये रहा अथर भाई, ये रहे सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह, ये रहे हमारी पूरी टीम। भंडारी भाई आज आपको पहली बार मैं रेफरी की उसमें देख रहा हूँ भाई मैं बहुत शाय शाय वाली चीज़ हूँ। हाँ क्यों हो रहा है शायद, तू ये देखो कौन मिला हमें, और भैया कैसे भैया के फोन से भैया का व्लॉग बनाते हैं, सुबह करिए पेमेंट भाई, इसकी वजह से सबका कंपटीशन छोटा है, इसको मारते हैं भाई अमित ये रहा। अतिक्स अतिक्स भाई बहुत भीड़ हो रही है अभी, सत्यम आर्यन सत्यम। तो भाई यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्लेयर बैठे हैं, यहाँ पे सुरजीत बल्ली बैठे हैं और वहाँ पे आशीष मेहता भी बैठे हैं और वहाँ पे सब जूनियर का मैच स्टार्ट हो चुका है, अभी काफ़ी पीछे खड़े हैं इसलिए हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा आपको। अबे हमारे तो टोकन ही नहीं है, काहे का कार्ड देना अपना, टोकन मिल रहा है, अच्छा कार्ड दो टोकन लो। तो भाई यहाँ पे कार्ड फ्री की बिरयानी मिल रही है तो हम तेरा लपेट ले थोड़ा, देखिए ना नरक नरक का वो है ये, इसमें ही तलेगा तू इसमें, मैं भाई मैं क्यों तलूंगा भाई, मैंने बहुत पुण्य काम किया। तो भाई छोले भटूरे का जो गार्ड हो चुका है और अभी शिशिर भी आ रहा है, वो मस्त बैठ के यहाँ पे पंखे वंखे चल रहे हैं, खाते हैं देख रहे खाते हैं, पेट वेट भर लेते हैं ताकि एनर्जी आए और यहाँ पे क्या थोड़ा तो अभी थोड़ी पेट वेट पेट पूजा कर लेते हैं ताकि जान माना है और पिंस भी आए तगड़े तगड़े। बोला चले Thank you.
लेकिन फ्लॉप में खेलेगा पक्का, भैया बनाओ ना वीडियो। और हो सकता है निखिल वीडियो तो बनाओ। खुजली हो रही है, खुजली हो रही है। चलो हाँ यही 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 चलो यही चलो शिशिर मेरे मन में लग रहा है। अरे चल तो मैं बहुत बढ़िया आएगा शिशिर भाई पे मेरा आ गया बना बना क्या हुआ चलो शिशिर हैंड डिफरेंस देखो भाई सन्नी भैया एक हफ्ते में बंदा मूड देगा अतर रेफरी जतिन कुमार अनीत मुकुल पांडे चल अतर मुकुल पांडे उठा के रख चल चल उठाई से बहुत तगड़ा लड़के बहुत तगड़ा चल आ जा चलो बाका भाई चलो शिशिर भाई बाका चल कैच किए चल 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 आ गया
चल खींच के चल चलो बाका भाई आएगा बाका भाई चल मारो देखे चलो बाका भाई बाका चलो बाका भाई आएगा बाका चले शिशिर भाई शिशिर बाकल शिशिर बाका भाई चल बाका बाका चल बाका चलो बाका बाका चलो शिशिर भाई गौरव मिश्रा सीनियर बॉयज राइट हैंड 90 kg वर्सेस सुरेश नेक्स्ट बाउट तो भाई अभी बहुत सारे बंदोबा हो चुका है यूथ और सब जूनियर सब हो गया और काफ़ी रात हो चुकी है अभी टाइम कितना हो रहा है 9:30 हो रहा है और गला एकदम बैठ चुका है चिल्ला चिल्ला के बहुत ज़्यादा और शिशिर की क्या रैंक आई है मैं भूल गया सेकंड रैंक आई है लेफ्ट में ठीक है अरे मुँह छुपाते हुए भाई आपकी क्या रैंक आई है मेरी फर्स्ट आई है तो ये भोला का मेडल है बोला नहीं, नहीं तो यहाँ पे इसका पता नहीं ये टूट क्यों रहा है ये थोड़ा निकल गया तो उसको बांध कर रहे और घर में पता नहीं कि मैंने बोला बस गोल्ड नहीं लगा मैं सिल्वर लगा दीदी कह रही कैसे और सब मौज में गए ऐसे अच्छा नहीं खेले उनकी इंजरी थी कोई बात नहीं अच्छा अगली बार खेलेंगे और सब अच्छा खेले यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है जो मेडल लाता है वही जीतता है कौन सा आया भाई मेडल थर्ड ब्रोंज कितने महीने ट्रेनिंग करी थी मैंने 4 दिन चार दिन तो नहीं चार दिन जिम में करी ना वेट बस 4 दिन उठाया मैंने वेट नहीं ओवरऑल आम रेसलिंग में घुसे कितना टाइम हो गया 2 महीने तो 2 महीने में इसका मेडल आ गया ब्रॉन्ज स्टेट लेवल पे तो काफी बड़ी बात है और सीनियर चल रहा था वहाँ पे बट हमें सबको लेट हो रही थी और 9:30 हो चुके हैं तो अभी मेट्रो में बैठेंगे निकलेंगे यहाँ से चलो चलते हैं तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और होपफुली आप सबको मजा आया होगा ब्लॉग देखने में तो आप सब ने मेरे बाउट्स भी देखे तो मतलब कुछ खास ऐसा रहा नहीं मैं एक बाउट जीता 2 बाउट हार गया जैसे ही 2 बाउट हार जाता है तो वो आउट हो जाता है टीम से तो इस वजह से मेरी कोई रैंक नहीं आई देखो यार स्पीकिंग अबाउट माय बाउट्स तो यार मुझे इतना पता है कि मेरे में पावर की कमी नहीं है कमी है तो सही डायरेक्शन में पावर लगाने की है और अब से उसी पे काम करूँगा टेबल टाइम बढ़ा दूंगा और अपनी टेक्निक पे काम करूँगा ज़्यादा और स्ट्रेंथ भी बढ़ा के आऊँगा ऑफकोर्स और वेट कैटेगरी तो यही रखूँगा और इसी वेट कैटेगरी में ग्रो कर जाऊँगा मतलब 80 kg में ही 80 kg का प्लेयर बनने के लिए मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं 80 kg के हिसाब से स्ट्रांग भी हूँ बात रही यार पावर की तो यार आर्म रेसलिंग में ना अगर आपके पास अंधी पावर है और आपको उसे लगाना ही नहीं आता आपको उसे टेबल पे अप्लाई नहीं करना आता आपको दूसरे बंदे के अपोनेंट पे पता ही नहीं आपको करना क्या है उस पावर के साथ तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है तो अब इसी पे काम करना चालू कर दूंगा मैं और अगर कोई नए लोग जुड़े हैं आज इस वीडियो के थ्रू तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना चाहोगे आर्म रेसलिंग बॉडी बिल्डिंग
क्या जो भी आपके मन में हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं जरूर उस पर काम करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, पीस।